सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। हाय दया, तेज चाकू काहे रखना है? कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। हाँ बहनी, सही कह रही हो। चाकू तेज नहीं होता है तो औरत चाहे सांसद हो या साध्वी, गुइया नहीं छील सकत। लेकिन हिंदू मुसलमान की लड़ाई की जगह आज तुम रसोई का ज्ञान काहे दे रही हो? पैसा बदल ली हो का? तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। नहीं बहनी, तुम तो वो बम पे भरोसा करती थी ना, अपना डिमोशन कराए के चाकू में काहे आ गई हो? ये चाकूबाजी ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर रही हो का बहनी? हत्या वत्या करने का कोनो पार्ट टाइम कोर्स शुरू की हो का? और बहनी, कौन से मौके की बात कर रही हो तुम? चीन तवांग की जगह कर्नाटक में घुसने का प्लान बना रहा है का? हम कहे देशभक्त होए तो जेल से आतंकवाद के आरोप में जमानत पर छूट कराई प्रज्ञा ठाकुर जैसा होए, वरना तो ना ही होए। चीन के खिलाफ लड़ने के लिए औरतन का चाकू चलाना सिखा रही है, नारी शक्ति का जगा रही है। चिंटू की मम्मी कहीं कौनो देशभक्ति ना ही दिखा रही है भैया, ये औरत हिंदू का मुसलमान से लड़ाई के लिए भड़का रही है। चिंटू की मम्मी कहीं ये तो बहुत ही गलत बात है, साध्वी सांसद हो गए, मोदी राजमा जेल से बाहर आए गए, जज साहब का बताए कि जज साहब हम बहुत ही बीमार है, लाचार है। जज साहब देखते ही मान गए कि हाँ बहनी, तुम तो बहुत ही बीमार हो, खटिया से उठ नहीं सकत हो, का करोगी जेल में रह के, जाओ घर में आराम करो। तुम साध्वी हो, वो लालू प्रसाद थोड़ी हो, तुम आजम खान थोड़ी हो, तुमरे बम कांड की जांच वांच तो चलती रहेगी, और ससुरा बम दगेगा तो लोग तो मरेंगे ही ना, और वो बम कौनो काम का जो दगे ना और लोग ना मरे, थू है ऐसे बम पर। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कहीं, देखो चिंटू की मम्मी, पंचौरे में साध्वी बहनी की बुराई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुम लोग अगर साध्वी बहनी की चाकू ट्रेनिंग स्कीम में उनका साथ नहीं दे सकते हो, तेज चाकू नहीं रख सकते हो, हम बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन तुम लोगों का दिल से कब है माफ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब से साध्वी दीदी बीमारी का बहाना बनाकर जेल से बाहर आए हैं, तब से साध्वी बहनी बहुत ही मेहनत करने के बाद, माने काफी संघर्ष करने के बाद चाकू छुरी का प्रोडक्शन बढ़ाए में कामयाब हुई रही है, और चाकू का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मोदी जी का सपना साकार होएगा। पूछो कैसे? हम कहे कैसे बहनी? बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कहीं, अगर साध्वी जी का हर हाथ में चाकू वाला अभियान सफल होएगा तो भारत में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, सुपारी किलिंग उद्योग की कमरवा टूट जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जब हर महिला के हाथ में चाकू होगा तो हर महिला हत्यारन होगी ना, सुपारी देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मर्डर के धंधे से बिचौलियों का खात्मा हो जाएगा, हर हाथ में हत्या करने की शक्ति बढ़ जाएगी। ये चाकू स्कीम बहुत ही दूरदर्शी वाली बात है, मोहल्ले के बहनी लोग चाकू रखेंगे तो चाकू वाले का भी तो रोजगार बढ़ेगा बहनी, चाकू वाला आत्मनिर्भर हो जाएगा, और चाकू वाला आत्मनिर्भर होएगा तो मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है वो साकार हो जाएगा ना। ये सब होएगा तो मोदी जी को दिल से माफ करने में कोनो तकलीफ नहीं होगी। अरे बहनी, जब दीदी इतना बड़ा चाकू गैंग बना लेंगी तो मोदी जी को दिल तो क्या, शरीर के हर अंग से माफ करना ही करना पड़ेगा। और सुनो, इतना ही नहीं है, साध्वी दीदी जब बहनी लोगन का तेज चाकू रखने का बोली है तो ई के पीछे भारत का विश्वगुरु बनाने की प्लानिंग चल रही है। ई का फायदा सिर्फ चाकू वाले का मिलेगा ऐसा नहीं है बहनी, इसे सिर्फ मर्डर उद्योग में बूम आएगा, सिर्फ ऐसा ही नहीं है बहनी। जब बहनी लोग तेज चाकू से मुसलमान लोगन का गला काटेंगी तो इससे का होगा जाना तो, देश की जनसंख्या कम हो जाएगी ना, पहला फायदा। और दूसरा का फायदा का होगा, वकील लोग मुकदमा लड़ेंगे और उनके पास मुकदमे बहुत सारे आएंगे तो उनका रोजगार बढ़ जाएगा। मोदी जी के कार्यकाल में जो जज सब खाली बैठे हैं ना, उनका वो रोजगार मिल जाएगा बहनी, और पुलिस वाले का काम मिल जाएगा, और गोदी मीडिया खातिर हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा मिल जाएगा, बहुत जोली भर भर कर कंटेंट मिल जाएगा, कचहरी के बाहर लैया चना बेचने वालन का बिक्री बढ़ जाएगी, डॉक्टर लोगन का भी रोजगार बढ़ जाएगा। साध्वी बहनी बहुत दूर का सोच रहे हैं, बहुत दूरदर्शी हैं, उनकी पूजा करो, और जब भारत में इतना सारा रोजगार होगा तो भारत का विश्वगुरु बनने से कौन रोक
पाएगा? बताओ जरा। चिंटू की मम्मी कहीं, वरमाइन तुम सच में अंधभक्तन हो? उस साध्वी मुसलमान की गर्दन काटे खातिर पूरे मोहल्ले की आर्तन का भड़का रही है, लड़ाई लगवा रही है, और तुम उके नाम की माला जप रहे हो? ई देश लोगन का मरवाने कटवाने से चलेगा, भड़काने से चलेगा कि संविधान से चलेगा? हाँ, अगर यही बात कोई पीस पार्टी के अकरम की अम्मी कही होती ना, तो देश में इमरजेंसी लग गई हो, टीवी चैनल पर आग लग गई होती, गोदी मीडिया विधवा हो गई होती, विधवा। लेकिन ई भारत है बहिनी, यहाँ चुनी हुई एक सांसद, बम धमाके की आरोपी एक बीजेपी सांसद लोगन का मारे काटे खातिर भड़काए रही है, लेकिन कौनो बोल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री की तो कैसे टो फंसी हुई है, वो माफ नहीं करे से आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, वो तो सिर्फ चुनाव में ही भाषण देते या फिर संसद में भाषण देते, इसके अलावा तो गृह मंत्री कौन है ये पता ही नहीं चलत है। बाकी तो कोई देखे सुने वाला है ही नहीं बहनी, भरमाइन का कहे, जब चुनी हुई सांसद की बुद्धि फिरी हुई है, जब वो देश के प्रधानमंत्री की करीबी है, तब उनकी बुद्धि फिरी हुई है, जब वो देश के राष्ट्रपति की पार्टी की सांसद है, तब उनकी बुद्धि फिरी हुई है, जब वो संसदीय मर्यादा फलाना ढिमाका गरिमा वाली संसद की सदस्य हैं, तो मार उमा मार काट की बात कर रही हैं। तो भरमाइन, तुम तो एक असफल बीजेपी वाले नेता वर्मा जी की दुल्हन नहीं हो ना, कुछ असर तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। हम कहे चिंटू की मम्मी, सीरियस नहीं हो, वर्मा जी की दुल्हन का दिल बहुत साफ है, बस थोड़ी सी भक्त है बेचारी, मूर्ख और भक्त में ज्यादा फर्क नहीं होते। मोदी जी भले ना करें, लेकिन बरमाई आओ, हम तुमका दिल से माफ करते हैं, अगले पंचौरे में जरूर आना, चुगली चलती रहनी चाहिए, तुम्हारे मूर्खपने से फन बरकरार रहता है, काहे कि मोहल्ले का पंचौरा और नेताओं को मूर्खता का दौरा पड़ता ही रहेगा। तो प्रज्ञा चाची की चुगली के सभी नियमित दर्शकों का हमरी जय राम जी की, आप प्रज्ञा चाची की चुगली का बहुत प्यार देते हो, हमसे बहुत दुलार करत हो, अपनी बोली अपनी अवधि भाषा की महक का विदेशन माँ भी बैठ के महसूस करत हो, तो भैया हमरे सभी दर्शकन का अलग से राम राम। चुगली चाची के लिए कमेंट में आप बहुत सारे मुद्दे सुझाते हो, ई के लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद। और हाँ, ट्विटर पर आप सबका परिवार जल्दी 1 मिलियन के बहुत करीब है, नए साल तक ई का 1 मिलियन पहुँचाओ, सबे फूफा फूफी भैया भैनी चाचा चाची भौजाई सबका हमरा राम राम, दोबारा से जय राम जी की।